ये देखिए फ्रेंड, बहुत सुंदर स्वेटर, बेबी स्वेटर मैंने बनाया है। इसे मैंने 81 फंदे से शुरू किया है। उसके बाद ये बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने फिर हर तीसरे फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया है। उसके बाद ये पैटर्न डाला है। ये पैटर्न डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे हर पांचवें फंदे के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ाए हैं। फिर यहाँ पे पैटर्न डाला और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर मैंने फंदे हर पांच के बाद एक एक फंदे हमने बढ़ाए हैं। इस तरह से यहाँ पे टोटल हमारे जो हैं 160 फंदे हो गए हैं, जो कि चार भागों में बांटा। आगे ये बाह में जो है 40 40, आगे 20 20 फंदे, पीछे के में 40 फंदे हैं। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे ये जो है 6 फंदे इधर और 6 फंदे इधर, 12 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। और क्योंकि ये फ्रॉक बॉयज़ को पहनाना तो फ्रॉक की तरह बहुत ज़्यादा घेर हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे जो मैंने ये कार वाली डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पे फंदे मैंने कम किए हैं। हर 10वें फंदे के बाद एक फंदा जोड़ा बिना, फिर मैरून जो बॉर्डर बनाने से पहले हर 15 फंदे के बाद हमने इसको कम किया। यहाँ पे हमारे 50 फंदे आगे और 50 फंदे पीछे हैं। बॉर्डर में हमने 7 फंदे रख के 7 फंदे की बटन पट्टी हमने ये बनाई है, बटन बैंड बनाया है। ये फंदे हम इसमें काउंट नहीं किए हैं, इसको छोड़ के हमारे 160 फंदे हुए। और यहाँ पे 100 100 या 50 फंदे आगे के पोर्शन में और 50 फंदे पीछे के पोर्शन में। आइए इस पैटर्न को बनाना हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने 81 फंदे से ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे हम हर तीसरे फंदे पे हमने एक फंदा बढ़ाया है। उसके बाद ये पैटर्न बनाया, फिर ये बनाने के बाद यहाँ पर ये पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पे हम इसको चार भागों में डिवाइड किए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कार वाली डिज़ाइन बनाई। कार वाली डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पे हम दो बार फंदा डिक्रीज़ किया है। 10 10 फंदे के बाद एक एक फंदा जोड़े बीने हैं। और फिर यहाँ मैरून बॉर्डर बनाने से पहले हम 15 15 फंदे पहले हम इसको घटाए हैं। हर 15 फंदे के बाद एक जोड़ा बीन के